गुरुवार को पोर्न एक्ट्रेस रिया बर्थडे की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि रिया बर्थडे बांग्लादेशी है और फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रहकर काम कर रही थी और अब रिया पुलिस के हिरासत में है और उनके परिवार की तलाश जारी है। इसी बीच खबरें हैं कि रिया बर्थडे राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करती थी। इन खबरों पर अब राज कुंद्रा ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि वो रिया को नहीं जानते और ना ही उन्होंने कभी उनके प्रोडक्शन के लिए काम किया है। इन खबरों से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो इस मामले में लीगल एक्शन लेंगे। आगे राज कुंद्रा कहते हैं कि ये आरोप न सिर्फ मेरी छवि खराब करने के लिए लगाए गए हैं, बल्कि मेरा नाम भी मीडिया सेंसेशन के लिए गलत तरीके से उछाला जा रहा है। मैंने हमेशा से अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और मैं इस तरह के आरोप बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्रिंट मीडिया में खबरें हैं कि गैर कानूनी तरीके से रह रही एक्ट्रेस मुंबई में गिरफ्तार हुई है और उनका मेरे क्लाइंट राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के प्रोडक्शन से लेना देना है। ये गुमराह करने वाली खबरें हैं जिनसे मेरे क्लाइंट की छवि खराब हो रही है। इसीलिए मेरे क्लाइंट इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत साइबर क्राइम पुलिस से इस मामले को दर्ज करवा रहे हैं। वे लिया तो वक्त ही बताएगा कि राज कुंद्रा का क्या सच में रिया से कोई कनेक्शन है या नहीं और क्या एक बार फिर से राज कुंद्रा मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल बोल मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।